हाल ही में काफी उतार चढ़ाव के बाद पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने वाले पूर्व क्रिकेटर नवजोत सिंह सिद्धू ने बुधवार यानी आज सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी कर कहा कि वह हक और सच की लड़ाई आखिरी दम तक लड़ते रहेंगे। ट्विटर पर पोस्ट किए एक वीडियो में सिद्धू ने सभी पंजाबियों को संबोधित करते हुए कहा कि मैंने 17 साल का राजनीतिक सफर एक मकसद से किया था जो लोगों की बेहतरी में था। प्यारे पंजाबी, 17 साल का राजनीतिक सफर एक मकसद के नाल कीता, पंजाब के लोगों की जिंदगी को बेहतर करना, टू मेक अ डिफरेंस, और मुद्दों की राजनीति के उत्ते एक स्टैंड लैके खड़ना, यही मेरा धर्म सी, यही मेरा फर्ज सी। मेरी अज तक किसी नाल कोई निजी किड़ नहीं रही, ना ही मैं निजी लड़ाइया लड़िया ने। मेरी लड़ाई मुद्दों की है, मसलों की है, और पंजाब पक्षी एक एजेंडे की है जिदे ते मैं बहुत देर का खड़ा रहा, और इस एजेंडे दे नाल पंजाब दे पक्ष पूर्ण दे लई मैं हक सच की लड़ाई लड़ता रहा। इहदे च कोई समझौता सी ही नहीं, इहदे च अहुदियां दा कोई मायना सी ही नहीं। यह मेरा फर्ज सी, मेरा धर्म सी। यह मेरे प्यो ने एक कोई गल दसी है कि जदों कितें भी द्वंद हो गए सच की राह ते तुर ते मॉरल अथॉरिटी रख के नैतिकता दे नाल कोई समझौता नहीं, ताही आवाज़ दे विच फल आया।